आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की तारीख के बड़े केस के बड़े फैसले के हवाले से। केस चूंकि एक तवील अरसा चला, लेकिन जो फैसला आज सामने आया ये पाकिस्तान का एक बड़ा तारीखी फैसला है कि पाकिस्तान के 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ को आज 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है और मरियम नवाज़ साहबा को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इसके अलावा इसी तरह कुछ पेमेंट के हवाले से जो कि जायदाद कुर्की की गई है, एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट्स है उनकी कुर्की का जब्ती का हुक्म आया है उस हवाले से भी उनको देना होगा। 10 लाख पाउंड का बोला जा रहा है उस हवाले से भी ये बड़ी एक बड़ी रकम है जो कि 8 और 2 में तकसीम की गई है मरियम और मियाँ नवाज शरीफ में। कैप्टन सफदर जो कि मियाँ नवाज शरीफ के दामाद हैं उनको भी 1 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। ये सज़ाएँ सुना दी गई हैं और ये बड़ी सज़ाएँ हैं। अब इस हवाले से ये भी बड़ा अहम मामला है कि एक जानब 8 मिलियन पाउंड जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ अदा करेंगे, इसी तरह 2 मिलियन पाउंड का कहा जा रहा है मरियम नवाज साहबा पे करेंगी, और फिर इसके साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते ये सूरत हाल सिर्फ यहीं तक नहीं कि एक ऐसी शख्सियत के खिलाफ केस है जिसको सिर्फ माली तौर पर या उसकी साख को किसी हद तक नुकसान पहुँचा है, सियासी तौर पर भी एक बड़ा नुकसान पूरी पाकिस्तान सभी कानून को सामने आया। इस पर जो रिस्पांस सामने आया, जाहिर है एक जानब पीटीआई के जो कारकुनान हैं और पीटीआई की जो क़यादत है वो मुबारकबादें दे रही है और ख़ुशी का इजहार किया जा रहा है, दूसरी जानब पाकिस्तान सभी कानून के जानब से मियां शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इसको कमेंट करते हुए अपने बयान में ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि पाकिस्तान की तारीख में ये दिन सियाह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, ये फैसला सियाह तरीन फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा। तो मुस्लिम लीग नून ने बिटवीन द लाइंस इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका ये कहना है मियां शहबाज शरीफ का कि ठोस सबूत नहीं दिए गए। इसी केस के हवाले से उनका यह कहना है कि नैब उनको पहले क्लियर करार दे चुकी हुई है और उसके बाद ठोस जो कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं बल्कि फोटो कापीज पर यह फैसला किया गया। तो ये उनका एक बयानिया सामने आया। मरियम नवाज साहिबा जो कि आज ट्विटर पर मौजूद थी, तकरीबन 12-1 बजे से मुसलसल वो मुख्तलिफ ट्वीट्स कर रही थी, तो इस फैसले के आने के बाद उनका जो ट्वीट सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद हमारा हौसला और अज़्म और बढ़ा है और मुल्क में नादीदा कुव्वतों के खिलाफ डट जाने की ये एक छोटी सज़ा है। ये उनके ट्वीट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो वही बयानिया जो मुस्लिम लीग नून का था उसी हवाले से ये बात की जा रही है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर और फिर सिर्फ मियां नवाज शरीफ की फैमिली के हवाले से मामलात कहां तक जाएंगे और फिर इसके जो टेक्निकल आगे पहलू हैं उस पर भी यकीनी तौर पर मुबाहसे जारी हैं, हम भी उस पर बात करेंगे, रिव्यू में जाने का मामला है। लेकिन ये जो 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई दी गई है इसमें जाहिर है उनको कैद किया जाएगा तो उस दौरान ये अपीलें भी होंगी और ये मामलात भी होंगे और ये ऐसे वक्त में फैसला सामने आया है जब इंतखाबात जनरल इलेक्शंस जो हैं वो सर पर हैं। गो के मियां नवाज शरीफ पहले से ही डिस्क्वालिफाइड हैं, वो डायरेक्टली इस मैदान अमल में नहीं थे, लेकिन बहरहाल उनकी जो मौजूदगी थी या अभी जो केस चल रहे थे वो मुस्लिम लीग नून की साख और इंतखाबात में उनकी हैसियत के हवाले से बहुत अहम थी और ये फैसला उसमें मजीद अहमियत अख्तियार कर गया इस टाइमिंग के हवाले से भी। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ एनालिस्ट हैं, सियासी तजियाकार हैं, खुद भी सियासतदान भी हैं लियाकत शाबानी साहब। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मारूफ माहिर कानून है शेख हसनुद्दीन साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, और दीगर आम शख्सियात को भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और साथ साथ उनका तारों भी देंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मैं लियाकत शाबानी साहब आपसे आगाज़ करते हुए सबसे पहले इन जनरल कि हम टेक्निकल इसके पहलू जाने या इसके सियासी पहलू जाने, इन जनरल आप क्या समझते हैं कि ये फैसला जिसमें एक इतनी बड़ी ताकतवर तरीन शख्सियत के खिलाफ एक बड़ा फैसला आया, कैद की सजा सुनाई गई, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए एतजाज़, ये जो फैसला है जुडिशल तारीख के हवाले से बहुत एक लैंडमार्क फैसला है, लेकिन इसको पॉलिटिकल हिस्ट्री बनाने की कोशिश की जाएगी। आम तासुर पाकिस्तान में, जैसे आपने खुद भी अपने इंट्रो में जिक्र किया, ये मौजूद था कि पाकिस्तान में सरमायदार, जागीरदार, माफिया, बड़े बैरोक्रेट्स और सियासतदान, उनको ये आज़ादी हासिल है कि वो जितने भी बड़े जराइम करें, क्राइम करें या सरकारी एक्स चेकर का पैसा वो लूटमार करते रहें, उनसे कोई नहीं पूछ सकता। नए बिल्कुल उज़ मोतल ओके रह गया था और लोग ताने कसते थे, मजाक उड़ाते थे इन इदारों का। जुडिशरी की तारीख के 1997 में उस पर अटैक किया गया, लेकिन जो क्रिमिनल्स थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई
नहीं की गई। एक तासुर मौजूद था कि जुडिशरी वो मियां नवाज शरीफ के और अहल खाना के लिए नरम गोशा रखते हैं, जबकि उस ज़माने में यह तासुर था कि पीपल्स पार्टी के लिए उनका रवैया मुहिंदाना रहता है। सही है। ये तमाम जो तासुरात थे 28 जुलाई के फैसले और आज के फैसले के बाद ज़ायल हो गए, और इसलिए भी तारीखी फैसला है कि इस वक्त पाकिस्तान तारीख के बदतरीन कर्जों में जो है जकड़ा हुआ है। आपका स्टॉक एक्सचेंज, आपके फेडरल रिजर्व, आपके जो करेंसी का जो सूरत हाल है वो तारीख में इतना खस्ता और शिकस्ता कभी नहीं रहा। और एक आम फैम, एक आम ख्वाहिश भी मौजूद है कि जितना लूटा हुआ माल है इस मुल्क का, जिसे लूट कर बाहर ले जाया गया, उसे वापस लाया जाए। वो एवन फील्ड फ्लैट्स हों, वो श्रेमेल हो, वो पनामा में दीगर 400 के करीब जो पाकिस्तानी हैं जिनके नाम आए हैं, पैराडाइज लीक्स में शौकत अजीज़ का नाम है, दीगर पाकिस्तान के टाइकून्स हैं जिन्होंने यहाँ पे टैक्स पेयर्स का पैसा, गरीब मफलूकुल आम आवाम का पैसा जो लूट कर बाहर ले जाया गया, अब उस पैसे को वापस लाए बगैर आपके न कर्जे उतरेंगे न आप आईएमएफ की गुलामी से आज़ाद होंगे। ये ज़रूरत है, और उस ज़रूरत के तहत 8 मिलियन पाउंड जो नवाज शरीफ को जुर्माना किया गया, 2 मिलियन पाउंड जो मरियम बीबी को जुर्माना किया गया, एवन फील्ड जो फ्लैट्स हैं, जो 4 फ्लैट्स हैं वो कर्क हो गए। अब इनके नीलाम करने के बाद ये पैसे जो एक्सचेकर में आएंगे, जाहिर है कि आवाम को, सरकारी खजाने को इसका फायदा होगा। और इसके साथ साथ दो और भी रेफरेंसेज हैं, अगर मियाँ साहब नहीं आते तो जाहिर है वो इश्तियारी करार दिए जाएंगे, और जाहिर है कि रायवंड महल